नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। इस कार्यक्रम में हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। कभी कभी हम लोग समकालीन दुनिया में जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, अगर उस मुद्दे का एक हिस्टोरिकल लिंक हो। तो आज की तारीख में हम बात करेंगे पश्चिमी एशिया में जो घटनाएं हो रही हैं। 7 अक्टूबर को हमस ने इसराइल पे हमला किया था। हमस, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई फॉर्मल पैलेस्टीनियन बॉडी नहीं है, उसके लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। हमस एक अलग ग्रुप है जिसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं, टेररिस्ट से लेके लोगों को, उनको ये भी माना जाता है कि वो नेशनलिस्ट हैं। इसराइल ने अब उनपे जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, उसके जवाब में एक तरह से, पूरी तरह से एक युद्ध का वातावरण शुरू कर दिया है और जो हमले हो रहे हैं उसमें सिविलियंस की मृत्यु हुई है। इसी बीच में हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की पॉलिसी में हमको बदलाव नजर आता है। जैसे ही इसराइल पे हमला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत तुरंत की और उनके लिए अपनी सिंपथी जताई। लेकिन उसके बाद पैलेस्टीनियंस पे जब अटैक्स हुए इसराइल द्वारा, तो उस पे बिल्कुल शांति रही। कई दिनों के बाद भारतीय सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनका जो फॉर्मल थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ जो स्टेटमेंट आया, उसमें काफी अंतराल के बाद आया। और लंबे अंतराल के बाद अल्टीमेटली जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से बातचीत की। इस मुद्दे के बारे में हम आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय जी, जो मेरे इस पेशे में मेरे सीनियर भी रहे और हिंदुस्तान की राजनीति के अलावा दुनिया के अलग अलग मुद्दों के बारे में लिखते आए हैं। बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से भी उन्होंने बहुत रिपोर्टिंग की है। तो आनंद जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी अपने एक आर्टिकल में, जो एक वेबसाइट में छपा है, उसमें उन्होंने काफी इस तरह के इस जो सारे डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में किए। उसके बाद में आखिर में आपने एक चीज को पॉइंट आउट किया है, उसको उस पे हम लोगों को नजर डालने के लिए कहा है कि हिंदुस्तान की, मोदी सरकार की, जो हिंदुस्तान की पैलेस्टाइन पे जो पोजीशंस रही है उस पे एक रेडिकल डिपार्चर रहा। आपने ये फ्रेज इस्तेमाल किया था, रेडिकल डिपार्चर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रेडिकल डिपार्चर, कहां से कहां आ गए हैं हम लोग एक मुल्क के तौर पर, पैलेस्टीनियन कॉज के प्रति हम लोगों का कमिटमेंट, उसके बारे में हमारी पॉलिसीज और इसराइल के प्रति क्या रवैया है हमारा। रेडिकल डिपार्चर इस सेंस में है दिलंजन जी, के शुरू से, सन 47 से जब हम आजाद हुए, जब हमारा देश आजाद हुआ, लगभग उसी समय यूरोप से जो जूस थे, जो यहूदी लोग थे, उनको वहां से लाया गया उनके लिए एक नया देश, एक नया राष्ट्र बनाने के लिए नाम पे, मध्य एशिया में जी, वेस्ट एशिया में जी, जहां जिसको आज हम पैलेस्टाइन, जिसको पहले हम पैलेस्टाइन कहते थे, आज वही सारा इलाका इसराइल कहला गया है जी। और जो पैलेस्टाइन के जो मूल निवासी थे उनको धकेल करके दो छोटे, उस पैलेस्टाइन, लार्जर पैलेस्टाइन के अंदर जो इसराइल बन गया है उसके अंदर दो छोटे अनक्लेव्स, ये समझिए कि दो मोहल्ले समझ लीजिए आप, वहां पर उनको डाल दिया गया है। और उनकी कुल तादाद दोनों मिला करके लगभग 5 लाख है लोगों की, फिलिस्तीनियों की। तो शुरू में सन 47 में यह प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस में आया था कि पैलेस्टाइन का बंटवारा करके एक हिस्सा दिया जाए इसराइल को और दूसरा हिस्सा दिया जाए पैलेस्टाइन को। उस प्रपोजल को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, नेहरू गवर्नमेंट थी उस समय, नया नया भारत आजाद हुआ था, हमने इसका विरोध किया था यूनाइटेड नेशंस में जी। हमने कहा नहीं, ठीक है, यूरोप के जो लोग आ रहे हैं, जूस, यहूदी लोग, एक तो उनके ऊपर भारी अत्याचार हो गया था, हिटलर ने किया हुआ था जर्मनी में, लेकिन ये प्लान उनको यहाँ लाने का सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी हिटलर के अत्याचार के बहुत पहले से है।
सन 1917 से लेके ये बात चल रही थी, बात तो उसके पहले भी चल रही थी, लेकिन एक यहूदियों के लिए यहूदी रिलीजियस नेशनलिज्म के नाम पर एक देश बनाया जाए, चूंकि यहूदियों का मानना है कि हजारों वर्ष पूर्व उनके पूर्वज वहां से हटे थे और दुनिया में चारों तरफ फैल गए थे, अब वो वापस जाना चाह रहे हैं, ये उनकी धार्मिक किताबों में वो कहते हैं, ये बात ऐसी है, अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर कह रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कि वहां पे जो रहने वाले हैं इतने वर्षों से जब वो चले गए तो अब वो जो लोग रहते हैं जिस वो अरब लोग हैं उनमें पैलेस्टीनियन अरब हैं, हाँ वो क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं और थोड़े बहुत यहूदी भी हैं, लेकिन मूल रूप से मुस्लिम आबादी सबसे बड़ी है। ये पैलेस्टाइन की बनावट सन 47 में थी, जब ये हुआ कि एक इजरायलियों के लिए एक नया राष्ट्र बने, तो 47 में ये था कि हम उसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रपोजल था, क्योंकि प्रपोजल आया था ब्रिटेन वगैरह की तरफ से, ब्रिटेन अमेरिका की तरफ से, इसको बांट दो दो हिस्सों में, तो नेहरू गवर्नमेंट ने कहा था बांटो मत, एक ही हिस्से में रहने दो दोनों को और पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से, ताकि दोनों को अच्छी तरह ऑटोनोमी रहे, उसको फेडरेशन बना लो चाहे जैसा भी करो, तो लेकिन वो बात नहीं सुनी गई और उसको बांट दिया गया और सन 48 में इज़राइल नया राष्ट्र के रूप में एक स्थापित हो गया जी। और सन 50 में जाकर के भारत ने उसको मान्यता भी दे दी जी कि चलिए अब तो हो गया है, अब इसी में पैलेस्टाइन और ये दोनों मिलके रहे, हालांकि दो अलग अलग इलाकों में, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि जिसको हम इज़राइल कह रहे हैं वो उसने पैलेस्टीनियों को धकेल करके उस एरिया में दो जगह सिमट करके रख दिया, एक का नाम है गाजा पट्टी जो कि मेडिटेरेनियन समुद्र के तट पर है, बहुत पतली सी जगह है जी। एक लंबी गली समझिए उसको आप, 35-36 किलोमीटर 37 किलोमीटर लंबी गली, जिसमें कि करीब 20-22-23 लाख लोग रहते हैं, आर के पुरम दिल्ली का जो है उससे छोटी आबादी है, और दूसरा है वेस्ट बैंक, उससे जरा सा हट करके है, वेस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन, जॉर्डन नाम की एक नदी है उसका पश्चिमी किनारा, बिल्कुल, तो उसी वेस्ट बैंक जिसको कहा जा रहा है उसी में बहुत सी चीजें स्थित हैं, जेरूसलम वहीं पर है, जेरूसलम के जो साइट्स हैं वो क्रिश्चियन के लिए भी पूज्य हैं और यहूदियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए जी। एक ही स्थान है, क्योंकि क्रिश्चियन यहूदी मुसलमान सब एक ही सूत्र से निकल रहे हैं, ये इब्राहिम नाम के एक बड़े संत थे उस जमाने के, उनको सब अपना ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट उन्हीं को माना जाता है जी। तो अब जब यहूदी आ गए यहाँ पर, स्टेट ऑफ इज़राइल कायम हो गया और पैलेस्टीनियंस को दो छोटे जगहों में धकेल कर रख दिया गया, उसके बाद भी बीच में कहानी बहुत है, उसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, लेकिन अभी कहानी यह है कि इज़राइल अपने आप को पुश आउट करता गया और जो जो एरिया यरमार्क थे पैलेस्टाइन के लिए उसके अंदर अपनी मिलिट्री कब्जे कर लिया जी। और वेस्ट बैंक में पूरी वेस्ट बैंक चलती है इनके नाम पे, मिलिट्री उनकी उनकी लगी है, पुलिस उनकी लगी हुई है इज़राइल की, और जहां तक रही गाजा की बात, वहां पे गाजा के चारों तरफ इज़राइली पहरा है, दीवार बनी हुई है, एक तरफ समुद्र है और गाजा के अंदर जो है वो इज़राइल के मर्जी से ही बिजली पानी सामान सब आता है, आता और जा सकता है जी। माने जिसको अफ्रीका की भाषा में, दक्षिणी अफ्रीका की भाषा में बंटुस्तान कहते हैं, वो बंटुस्तान की तरह ये दोनों पैलेस्टीनियन इनक्लेव बन गए हैं। अब उनमें एक गाजा के अंदर एक पहले मिलिटेंट ग्रुप थी जिसको टेररिस्ट भी कहा जाता था, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, उनका मानना था कि इज़राइल को नेस्ट नाबूद करो, इज़राइल को हम मान्यता नहीं देते, ये सब बातें उनके चार्टर में थी शुरू में और बाद में उन्होंने तब्दीली लाने की कोशिश की, तो हमस जो है वो एक बिल्कुल मिलिटेंट सा ग्रुप था और धीरे धीरे करके जैसे हर एक मिलिटेंट ग्रुप के अंदर होता है उसमें भी बदलाव आते गए। अब इस ग्रुप ने
इस ग्रुप ने चुनाव में हिस्सा लिया 2006 में, इसराइल ने चुनाव करवाए थे पैलेस्टीनियन काउंसिल के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसमें कि आपको याद होगा बहुत फेमस नाम था यासर अराफत का। उनकी मृत्यु के बाद वो लोग वेस्ट बैंक पे चले गए थे, फतह ग्रुप वाले, पीएलओ जिसका नाम था जी। तो उसके मौजूदा लीडर महमूद अब्बास साहब हैं। तो महमूद अब्बास की पार्टी जो है फतह बहुत पीछे रह गई उस चुनाव में, 2006 में ये आ गए जीत करके। जी और इस जीत के बाद थोड़े ही दिन के बाद महमूद अब्बास जो कि वो प्रेसिडेंट वही थे, उन्होंने इस पूरे काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया, चूंकि वो लोग जीत के नहीं आ सके थे। और जो जीते हुए आए लोग थे ये हमस वाले, और उधर पैलेस्टीन अथॉरिटी के पीछे बहुत संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, और इन्होंने हमास ने गाजा के ऊपर अपना अधिकार जमाया, और इसराइलियों ने इनकी मदद की और जी उनसे कहा कि भाई आप वहां रहिए, आप वहां सरकार नुमा कुछ चलाइए ताकि सड़कें बने, ये करो, वो सारी चीज होते जो सरकार जिस तरह काम करती है, एडुकेशन, हेल्थ वगैरह, वो सब किया। लेकिन पिछले 70 वर्षों से, सन 48 से जो पैलेस्टाइन बनाया गया है उसके अंदर इतना अतिक्रमण हो चुका है इसराइल का कि उसको, गाजा को तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। बिल्कुल, मैं अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था गाजा पट्टी के ऊपर, तो उसमें तो मतलब टूटे हुए मकानों के अलावा कुछ नजर नहीं आते, जहां वो ड्रोन कैमरा से शूटिंग कर रहे थे तो वो लगातार चले जा रहा है, मतलब मिनटों तक चले जा रहा है, कुछ नहीं, जो कहते हैं कि मतलब जस्ट नथिंग बट रुइंस, ओनली ओनली डिस्ट्रॉय। तो अब 23 लाख लोग, 23 लाख लोग उस तरह की जिंदगी, 23 लाख लोग वो जिंदगी जी रहे हैं। अब आप समझिए कि एक लंबा कॉरिडोर है, एक लंबी पतली गली है, भारत के किसी शहर में, दिल्ली में मान लीजिए 30 किलोमीटर लंबी गली है, उसके अंदर 23 लाख लोग रह रहे हैं, और वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन निकलता है और ये 70 साल से यही चल रहा है, और घुटन होती है, मारपीट कई बार हो गए हैं, वो अपने इलाके के अंदर से कभी पथराव करते हैं, कभी बम फेंकते हैं, कभी रॉकेट लॉन्च करते हैं, और कभी कभी इंडिविजुअल अटैक भी करते हैं, कोई घुसपैठी की तरफ घुस के चले आते हैं, करके शूट करके चले गए, ये सब होता, ये सब कहानी रही है। तो अंदर से इतना वो है, एंगर जो है, गुस्सा जो है, अंदर से बिलबिला रहा है। अब उसने, और ये इसराइल ने गाजा के चारों तरफ दीवार बना रखी है और सेंट्री गेट्स, और पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के चक्कर में वो सारा वो गार्डेड है, और इसराइल को पूरी तरह समर्थन प्राप्त है, आर्थिक भी और वो हथियारों का भी, यूएसए का और वेस्टर्न यूरोप का, क्योंकि उन्हीं के लोग को तो लाया गया था यहाँ पे। और ये इसराइल जो है एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक वो बन के वहां एक अड्डा बन गया है वहां पर जी। उस पूरे इलाके में, और उन्होंने ये कर लिया है कि जो वेस्टर्न एशिया के, वेस्ट एशिया के यानी सऊदी खाड़ी के जो देश हैं, सऊदी अरब और यूएई वगैरह जो हैं, इस तरह के देश जो हैं, इनके साथ अमेरिका इनका समझौता करवा रहा था कि आपस की शत्रुता को छोड़ दीजिए, और आप लोगों के पास, किसी के पास तेल है, किसी के पास ये है, ये सारी चीजें हैं, सारे संसाधन हैं आपके पास, आप आपस में बैठ करके अच्छे ट्रेड इन्वेस्टमेंट का रिश्ता लगाइए, और ये बात इन सबको पसंद भी आ रही थी, अमेरिका ने स्टार्ट करवाया था। तो जो पैलेस्टीनियन इश्यू जिसको कहा जाता था उसको ये लोग भूल करके आपस में एब्राहम एकॉर्ड्स नाम के कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि अमेरिका ने, यूएसए ने करवाए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दो वर्ष पहले करवाए, शुरू करवाए थे। आनंद जी, मैं आपको आपका ध्यान एक दूसरे मुद्दे पे खींचना चाहूंगा। आपने अभी यासिर अराफात का जिक्र किया था। हिंदुस्तान की राजनीति में मैं थोड़ा सा अतीत में जाना चाहता हूँ, कुछ अपने निजी अतीत में भी, पर्सनल हिस्ट्री में, जिस अर्ली 1980s में जब मैं पत्रकारिता में आया, आप मेरे से कई साल पहले आए थे, तो उस समय एक तरह से हिंदुस्तान में यासिर अराफात को लोग हीरो मानते थे।
मुझे अभी भी याद है कि 1983 में जब नॉन अलाइंड समिट हुआ था, उस समय यासर अराफात और फिदेल कास्ट्रो हिंदुस्तान में आए थे, तो उस समय हिंदुस्तान की जनता ने कई शहरों में जुलूस निकाले थे उनके समर्थन में। मुझे याद है पूरे लेट 1970s और 80s में बहुत लंबे समय तक पैलेस्टीनियन कॉज के लिए लगातार पॉलिटिकल मार्चेस और मीटिंग्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होना आम बात होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में, खासतौर से पिछले 10-15 सालों में, ये लगभग एक तरह से खत्म हो गया है और इक्वेट कर दिए गए, कुछ सिंपल साधारण किस्म के इक्वेशंस ड्रॉ कर दिए कि पैलेस्टीनियन का मतलब है कि वो टेररिस्ट है, पैलेस्टीनियन का मतलब है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके प्रति सिंपथी है, तो उसका मतलब है बाय डिडक्टिव लॉजिक कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक बहुत बड़ा तबका वो भी टेररिस्ट है। इस तरह से सिंपलिस्टिक एक तरह से इक्वेशंस बना दी गए और जो हमारे हिंदुत्ववादी हैं उनको एक तरह से ज़ायनिस्ट फोर्सेस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट देखने को मिलता है, जो हमारे भारत सरकार के पॉलिसीज में और जिस तरह से उनके जो इंटरवेंशंस हुए 7 अक्टूबर के बाद से, उसमें भी नजर आता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सबसे पहले तो मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि जो 7 अक्टूबर का जो कांड हुआ, उस पर एक मिनट उसमें कहना जरूरी है एक बैकग्राउंड के रूप में। 7 अक्टूबर को जो कांड हुआ वो ये हुआ कि 70 वर्ष में पहली बार इज़राइल के अंदर मिलिट्री रूप से आ करके किसी ने अटैक किया जी, और जिसमें वो हमस ने किया और अटैक किया, उसमें कोई नहीं है, पैलेस्टीनियन आम जनता की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बात बहुत क्लियरली हमें उसमें एक संशोधन की जरूरत यह है कि पैलेस्टीनियन आम जनता ने ही हमास को 2006 फरवरी में सबसे ज्यादा मत देकर के चुना था जी, है ना। और दूसरे ग्रुप है जो कि जिसके जिसके लीडर कभी पीएलओ के लीडर यासिर अराफत साहब होते थे, उनके सक्सेसर महमूद अब्बास हैं। ये अराफत तो बहुत बहुत तरह के पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है, सब कुछ। वो उनका नाम केवल इंडिया में नहीं था, केवल इंडिया में उनके नाम पे मार्चेस नहीं होते थे, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग यूरोप एंड अमेरिका में होते थे जी। और यासिर अराफात को भी वेस्टर्न दुनिया जो है और इसराइल, उनको भी टेररिस्ट मानते थे। हम टेररिस्ट नहीं मानते थे, हम उनको मानते थे फ्रीडम फाइटर, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को हटाने वाला उसमें लगा हुआ जो है वो, हम इसलिए फ्रीडम फाइटर मानते थे। और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है 242 UNGA के ऐसे, और उसके बाद अन्य रेजोल्यूशन में कि आप वॉर के जरिए आपने कोई टेरिटरी कब्जा किया है उसको आप छोड़ के जाइए। दूसरा रेजोल्यूशन है जनरल असेंबली का, वो ये है कि जो लोग ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में हैं वो रेजिस्टेंस के लिए आर्म स्ट्रगल का भी सहारा ले सकते हैं। तो इसलिए यासिर अराफात जो हैं ये लोग आर्म स्ट्रगल भी करते थे और पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करते थे, इसीलिए इसराइल उनको भी टेररिस्ट मानता था, हम लोग नहीं मानते थे। अब वो मरवर गए, खत्म हो गई बात 2004 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु को बहुत पहले कुछ यंगर एलिमेंट्स थे वो रेजिस्टेंस वाले पैलेस्टीनियंस, उन्हीं में से हमास निकला है और जो 2006 का चुनाव जीता है, लेकिन उसके बाद उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर दी गई। ठीक है, आपको मैं चूंकि पुरानी बात कर रहे हैं एक याद दिला दूं, यासिर अराफात यूनाइटेड नेशंस में गए थे, जनरल असेंबली में खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था और कहा था, अंग्रेजी में कहा था, आई कम टू यू विथ अ फ्रीडम फाइटर्स गन इन वन हैंड एंड एन ऑलिव ब्रांच इन द अदर। ऑलिव एक पेड़ का वो है, पौधा है, पेड़ है, जिसको कि शांति के साथ देखा जोड़ा जाता है कि ऑलिव ब्रांच इन वन हैंड, फ्रीडम फाइटर्स गन इन वन हैंड, ऑलिव ब्रांच इन द अदर, डू नॉट लेट द ऑलिव ब्रांच फॉल फ्रॉम माय हैंड्स। लेकिन अंततः वही हुआ, एक ओस्लो एकॉर्ड्स के नाम से 1993 में 1995 ने अमेरिका की मध्यस्थता से, उस समय की जो इजरायली सरकार थी यित्जिक रविन साहब की और यासर अराफत, ये लोग मिलके एकॉर्ड लिए कि भाई अब जो है
फिलिस्तीनी जो है वो इसराइल के एग्जिस्टेंस को मान लेंगे, और जो ये दो बाकी पैलेस्टीनियंस के लिए, यहाँ पर पैलेस्टाइन का ये था एकॉर्ड, और एकॉर्ड होने के 95 में एकॉर्ड कंप्लीट हुआ, दो पार्ट था 93-95 में फिर, लेकिन उस एकॉर्ड से जो है, एकॉर्ड हो जाने भी इजरायली गवर्नमेंट जो है उन्होंने पैलेस्टाइन के हाथ में वो हिस्सा नहीं छोड़ा, वहां पर अपनी मिलिट्री हुकूमत जारी रखी। इसीलिए अंदर अंदर जो है टेंशन इतना ज्यादा हो गया है कि हमस नाम की एक पार्टी जो कि पहले कि हम इसराइल को नेस्तनाबूद करेंगे, इसराइल को हम मानते नहीं, अब जो है इसराइल के साथ एक अंदरूनी समझौता करके वो गाजा में काम चला रहे थे। एक दिन ये हुआ, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी कि 7 अक्टूबर को इसराइल के अंदर घुस करके जिस चौक है, इसराइल ही नहीं चौकी, पूरा अमेरिका चौंक गया कि अगर कोई बड़ी सेना आकर ये सब करती तो एक बात थी, एक रैगटैग छोटा सा मिलिशिया वो अंदर आके इनके पूरे इलेक्ट्रॉनिक सबको भेद करके 300-400 सैनिकों को मार गिराया। लेकिन उनसे बड़ी गलती हुई, इनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, सिविलियन पॉपुलेशन को भी अटैक किया, तो कुल मिलाके 1200-1400 लोग हताहत हो गए और फिर ये चले गए। उसके बाद इसराइल का इतना साइकोलॉजिकल असर हुआ उसके ऊपर कि 70 वर्ष में पहली बार किसी ने ये दुस्साहस किया था। अब ये उनका कहना है, अब हम जिसको हम युद्ध कह रहे हैं, हम इसको युद्ध कहां से मानेंगे? एक लंबी गली में अगर एक सुपर पावर अमेरिका जैसी पावर आके रोज बम गिराए और आर्टिलरी फायर करे, और उसके बाद दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है बाइडन साहब वहां पहुंच जाए कि बाइडन के लिए इसराइल का एग्जिस्टेंस बहुत ही जरूरी है, इसराइल को आंच आ जाए, ये बाइडन या अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा, अमेरिका में कोई भी हुकूमत हो। तो उन्होंने कहा कि अब आप घुस के मारिए अंदर, और जब मार लीजिएगा, जब हमास को उखाड़ के फेंक दीजिएगा, तो अब तक 12 दिन चल रहा है, 13 दिन से, अब कितने हमास को मारा, कितने को पकड़ा, अभी तक कोई अधिकृत रूप से किसी को नहीं मालूम है। एक आया अखबारों में आज कि एक हमास के नेता को, एक नेता को हमने मारा, जबकि आप 10 दिन उस तरह की बिल्कुल बर्बर बमबारी कर रहे हैं। अगर आप इनको टेररिस्ट मान चल रहे हैं तो आज आप जो कर रहे हैं वो क्या है, जबकि इस हिस्से में तो आपको होना ही नहीं चाहिए था। मैं थोड़ा आपका ध्यान एक दूसरे मुद्दे पे, आपने मतलब समझाया कि किस तरह से इसराइल ने काउंटर अटैक लॉन्च किया और उसमें अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने और किस तरह से यूके के भी प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने भी किस तरह से सपोर्ट किया है। हिंदुस्तान का रिएक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल? हिंदुस्तान का जो रिएक्शन है, पहले दिन मोदी साहब ने जैसे उन्होंने चीन में किया था गलवान के बाद, उन्होंने कहा था कि चीन की सेना हमारे यहाँ नहीं घुस के आई है जी, एकदम नकार दिया उस बात को, उन्होंने लीड लिया। जब उन्होंने लीड ले लिया, सरकार का कोई और अंग कुछ बोल नहीं सकता है जी। हालांकि उसके बाद मिलिट्री भी और डिप्लोमेटिक भी कितने राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन यहाँ और पे एक तरह से भारतीय प्रधानमंत्री के कथनी को नकार रही है, उसी तरह से यहाँ भी हुआ। पहले ही दिन छूटते ही इन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि टेररिज्म का किसी भी फॉर्म में ये हमको पसंद नहीं है, हमारे पॉलिसी के विरुद्ध है, हम कंधे से कंधा मिलाकर इसराइल के साथ खड़े हैं जी। भारत की पोजिशन में और अमरीका की पोजिशन में उस मामले में कोई फर्क नहीं था, लेकिन यह है कि यहां बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पैलेस्टाइन की जनता, फिलिस्तीनी पब्लिक, उनका धर्म कुछ और होता, जो अभी है वो नहीं होता, कुछ और होता तो शायद भारत का ये पोजीशन भी नहीं होता जी। वो धर्म से जुड़ा हुआ, यानी भारत की इंटरनल यानी आंतरिक राजनीति और कैलकुलेशन से ओतप्रोत है जी। आनंद भाई, वो भी फैक्टर है, फैक्टर और भी है जी। मैं आपको एक मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पत्रकारिता के सालों में
मैंने काफी वक्त हिंदुस्तान के हिंदू राइट विंग संगठनों और आपने तो कई किताबें लिखी है इसके ऊपर। जी मैंने इस पे तो मेरे को एक चीज जो हमेशा लगा, जो स्ट्राइकिंग लगा, कि जब भी किसी संघ परिवार के नेता से बात करते थे तो उनको इसराइल के प्रति एक किस्म से बहुत सिंपथी दिखाई देती थी। तो मैं आपके आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद हो उस समय आप भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, 1992 की बात है जब हिंदुस्तान ने डिप्लोमेटिक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ली इसराइल के साथ। उस समय शिमोन पेरेस हिंदुस्तान आए थे और वो आके यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से तो मुलाकात की ही थी, लेकिन चूंकि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, तो उस समय उनकी मीटिंग, उन दोनों की मीटिंग भी हुई थी जिसमें कुछ बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे भी बातचीत हुई थी, जिसपे बीजेपी का जो इसराइल या वेस्ट एशिया के प्रति जो पॉलिसीज हैं और जो हिंदुस्तान में कश्मीर में जो घटनाएं हो रही थी ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो रही थी, इसके बारे में जरा मुझे बताइए। जब पेरेज आए थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं था। जी उन्होंने भारत की तारीख में पुल बांध दिए थे और मुझे याद है कि क्या नाम है उनके, एक हमारे लेखक हैं उनकी बड़ी प्रशंसा की थी उन्होंने, क्या नाम है उनका, जो कि अमेरिका बेस्ड राइटर थे, जो भी हो। तो हाँ उसी दौर में जब वो आए तो आडवाणी जी से वो मिले पार्लियामेंट हाउस में, दी 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 एलिजिबल बॉय ऐसा कुछ नाम था ना उस किताब का, बड़ी मशहूर किताब थी उस समय की, दी दी एलिजिबल बैचलर दी एलिजिबल बॉय, बहुत नामी किताब है वो। तो वो मिले थे आडवाणी जी से और मुझे इस मैं इन बातों पे रिपोर्टिंग किया करता था उस समय, जी तो मुझे ये मालूम हुई ये बात, कहीं से सुराग मिली, तो मैं गया था पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस में आडवाणी जी का जो कमरा था वहां पर मीटिंग हुई थी जी और पेरेस साहब के जाने के थोड़ी ही देर बाद मैं भी मिला आडवाणी से और उनसे मेरा परिचय अच्छा था। तो उन्होंने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं मुझे मालूम है, मैं तो कुछ लिखूंगा ही और आपका पक्ष ठीक से जाए तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी कोई कहीं फैक्चुअल गलती ना हो जाए। तो खैर उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने फिर मुझे मालूम हुआ कि बात ये थी कि पेरे साहब ने कहा था कि जिस तरह से जूस ने, यहूदियों ने पैलेस्टीनियन लैंड्स के अंदर ऑक्यूपेशन किया था, वहां पर पॉपुलेशन को, अपने जी लोगों को जाके बसाया था, यहाँ तक कि आज 7 लाख लोग वेस्ट बैंक में इजरायली लोग हैं, जूज लोग हैं, वहां रहते हैं तो सात इसी लाख जी यानी 7 लाख, चूंकि अब यहाँ पर पैलेस्टीन पॉपुलेशन है, बगल में जोश एरिया है, फिर पैलेस्टीन पॉपुलेशन जोश एरिया, तो आप वहां स्टेट डिक्लेयर कर ही नहीं, इस तरह से बनाया गया है वो। तो ये सुझाव चल रहा था कि क्या भारत को भी चाहिए कि कश्मीर वैली में पूरे भारत से उठा के कुछ लोगों को उठा के वहां डाला जाए, यानी माने हिंदू पॉपुलेशन को उठा के उस क्षेत्र में रखा जाए। जी इन बातों पे अपना अनुभव वो शिमोन पेरेस शेयर किया था। ये अब वो पॉलिसी का रूप जो है, आडवाणी जी ने बात बात सुन ली उनकी, उनके मन में क्या आया उन्होंने मुझसे नहीं बतलाया उनके, हालांकि ये बीजेपी की लाइन पहले से भी रही है कि वहां पे लोगों को बसाओ जा करके, ये सब बात बीजेपी सर्कल्स में हाईएस्ट लेवल पे ये सब बातें चली हैं, लेकिन शिमोन पेरेस से बात करने के बाद ये आइडिया जो है ये नहीं जमा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी तक तो उसके बाद वाजपेयी जी की भी सरकार आई, ऐसा नहीं हो सका, मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने सन 19 में अगस्त में जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का वो खत्म किया, लेकिन उसके बाद ये भी कि पूरे JNK में जो कि यूटी बन चुका था उसमें बाहर के लोगों को बसाने की कोशिश की गई कि बाहर के लोगों को भी तमाम वही राइट्स मिलेंगे जो JNK के लोगों को मिल रहे हैं, ये तो हुआ, लेकिन मुसीबत यह है कि बाहर से लोग ही बहुत कम आए, कोई जाना नहीं चाहता वहां, और वो बात तो दूर की बात है, जम्मू के लोग
जो कि उसी राज्य का एक हिस्सा थे और आज भी उसी यूटी के अंदर हैं, वो भी यूटी बन गई है, जम्मू के लोग भी पिछले 50 वर्षों में जाके एक बड़े पैमाने पर कश्मीर वैली में नहीं बसे। तो इसलिए प्रैक्टिकल तौर पे ये आइडिया जो है हमें लगता है कि शायद चल नहीं पाया और शायद आगे भी नहीं चल पाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय खत्म होता जा रहा है, और भारत सरकार की इमीडिएटली मोदी जी ने, आपने कहा था कि जैसे नेतन्याहू से फोन पे बातचीत की, हमारे सिंपथीज उन्होंने इसराइलियों के प्रति दिखाया, उस तरह की सिंपथी पैलेस्टीनियन के खिलाफ के साथ साथ में नहीं दिखाया जब इसराइल की तरफ से हमला हुआ। उसी दौरान में कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आया था इसराइल की घटनाओं को लेके, इसराइल मतलब वेस्ट एशिया की घटनाओं को लेके, तो उसको लेके काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली जाके जिस तरह से भारत सरकार ने अपने स्टेटमेंट को नुआंस करके प्रेजेंट किया, तो उसमें और कांग्रेस के स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। शुरू में उस तरह शुरू में वो इंप्रेशन किया, लेकिन असली बात यह है कि जो बाद में हमारे तरफ से सरकारी आधिकारिक तौर पर जो पीएम का पहला बयान था उसको एक तरह से उसमें सुधार लाने की कोशिश की गई और फिलिस्तीनियों के तरफ से बात की गई कि उनको एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ का ध्यान में रखो, उनको भी स्टेट बनाने का हमारे पूरा राइट है, ये हमारी पोजीशन रही है। ये सारी बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने की जी, और उसके बाद हमारे पीएम साहब ने महमूद अब्बास वगैरह से ये बात की इन्हीं लाइन्स पे कि हम उसको ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे। ये सब बात कि आज जो सबसे बड़ी बात वो ये है कोई एड वे नहीं जा सकती, इसलिए ये सब ऊपर दिखावे की बातें हैं। आज सबसे पहला युद्ध विराम हो, बमबारी खत्म हो, बिल्कुल वो ना तो अमेरिका मांग रहा है ना ही भारत मांग रहा है, लगता है कि भारत और अमेरिका के पोजीशन एकदम अलाइंड है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम कहें कि बमबारी बंद करो और वहां से इसराइल आप बाहर निकलो और दुनिया में से भी ह्यूमैनिटेरियन एड आ सकता है किसी भी रूप में, और शायद भारत भी ऐड करेगा, वो आने की आपसे हम अनुमति नहीं मांगते, वो हिस्से में आपका आपकी घुसपैठ है पिछले 50 सालों से जी। आप वहां से बाहर हटिए, असल तो ये होगा। तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं और दूसरी पार्टियों के भी लोगों ने मिलके एक हमारे प्रेसिडेंट साहबा के पास भी एक रेंडम दिया है 3-4 दिन पहले। ये सारी बातें हैं कि पहले युद्ध विराम और एड हमारा, बिना युद्ध विराम के एड नहीं। अभी तो बम्बार्डमेंट चल रही वहां पे और इसराइल के इन्फेंट्री वहां पे घुसने वाली है गली गली में, तो किनको मारेगी वो? 1,000 मासूम बच्चे मर चुके हैं, अस्पताल पे बम गिर चुका है, ठीक है, ये सब हो गया है। ये युद्ध उस तरह से नहीं है कि दो मुल्कों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, ये जो ये यूक्रेन और रूस वाली लड़ाई नहीं है, ये है एक मोहल्ले में घुस करके आप ऊपर से बम गिरा रहे हैं, टैंक की फायरिंग हो रही है और आपकी इन्फेंट्री घुसने वाली है, तैयारी कर रहे हैं, और 4,000 लोग की मौत हो चुकी है। और ये सब कब किया गया? जबकि आपने यानी इसराइल ने पानी और बिजली और खाना और दवाइयां पिछले 10 दिनों से रोकी हुई है, यानी मेडिसिन और फूड एंड वाटर एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर यूज किए जा रहे हैं, भूखी आबादी के ऊपर, प्यासी आबादी के ऊपर अस्पताल पे बम गिर रहे हैं और आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में कहेंगे कि हम एड देंगे आपको, आपको एड देने कौन देगा? एड देने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि बमबारी रोको, आप निकलो वहां से, सारे फिलिस्तीन एरिया से आप निकलो, आप जो हमस ने किया है अगर वो टेररिस्ट एक्ट है, और हमस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा मानना है कि हमस को सिविलियन, हालांकि कितने हजार सिविलियंस इजरायली मार चुके हैं पैलेस्टाइन में जाके, मैं उस चीज को तराजू में नहीं ला रहा हूं अभी जी, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि हमस को वो नहीं करना था लेकिन वो किया है, तो इसका ये कि आप उसका इस तरह से ये करेंगे तो हम आप इसराइल का क्या प्रतिकार होना चाहिए कि उनको गले लगाना चाहिए? ऐसे में हमको ये देखना है। आनंद भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इतनी बुरी हालत होने के बाद हिंदुस्तान की फर्म मांग होनी चाहिए कि इमीडिएट सीज फायर पर कॉल करें, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ऐसा नहीं कर रही है, और
हम लोगों को मांग करनी चाहिए सरकार से, हमसे बात करने के लिए। आनंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में समझाया कि एक तो पश्चिमी एशिया का वहां का रीजन का इतिहास, और उस ऊपर से हिंदुस्तान का क्या अप्रोच रहा है, क्या पॉलिसी रही है 1947 से लेके अब तक, किस तरह से भारत की सरकार का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, किस तरह से मोदी सरकार जो है पूरी तरह से, आपने जैसे कहा कि इसराइल और अमेरिका के साथ हो गया है इस पर्टिकुलर मुद्दे में, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई।